अस्सलामुअलैकुम। तो जिस तरह अभी तक हमने टांग के जोड़ों की बात स्टार्ट की है, तो अभी तक हमने हिप जॉइंट की बात की, आज हम घुटने के बारे में बात करेंगे। अब आपके कोहनी की तरह से ही आपका जो नी जॉइंट है, इस पर भी 180 डिग्री की मूवमेंट पॉसिबल होती है, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है नी और एल्बो में कि एल्बो जॉइंट पे इतना ज़्यादा वेट बियरिंग नहीं हो रही है, आपकी बॉडी का इतना वेट नहीं पड़ रहा जितना आपके नी पे पड़ रहा है। तो आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट है वो आपका नी जॉइंट है, और वीकनेस अगर वो नहीं स्टार्ट होती है तो वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से अगेन आपको यहाँ पे दर्द स्टार्ट होगा ओवरवेट होने की वजह से। मींस कि अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI, वो आपका नॉर्मल कैटेगरी से ऊपर आ रहा है और आप ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आ रहे हैं, इन दैट केस आपके नी जॉइंट के ऊपर एडिशनल एक वेट पड़ रहा है आपकी नॉर्मल बॉडी से कंपैरेटिवली, जिसके लिए वो डिज़ाइन ही नहीं है, जिसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है यू कैन से। तो एज अ रिज़ल्ट आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं और उनके अंदर अगेन वियर एंड टियर का प्रोसेस एक अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो रही हैं, राइट। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी सबसे पहले बोन्स को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। अब अगेन यहाँ पे भी आ जाता है कि नी का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो आपको अर्ली एज में भी अब मिलने लगा है, मतलब कि पहले ये यूजुअली आपको घुटनों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है वो 50 की एज के बाद, 60 की एज के बाद दोनों मेल और फीमेल पॉपुलेशन में मिल रहा होता था, बट अब आपको ये इशू बहुत यंग एज में भी मिल रहा होता है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, आपके मसल्स के बारे में हम बात करते हैं। अब आपके नी जॉइंट पे मेजर दो किस्म के मसल्स हैं जिनकी अटैचमेंट्स हैं। एक आपके फ्रंट के मसल्स हैं, जो लोग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में से जो जिम करते हैं उन्होंने नाम सुना होगा क्वाड्रिसेप्स। सो क्वाड्स बेसिकली वो मसल्स हैं जो कि फ्रंट से नी पे अटैच होते हैं, और जो बैक से अटैच हो रहे होते हैं उनको हैम्स कहते हैं या हैमस्ट्रिंग्स फुल टर्म में। तो अब ये जो दो मसल्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नी की एक जो नॉर्मल बायोमेकेनिक्स है, मींस के नी की एक जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको बरकरार रखने में। इनमें से एक मसल भी अगर वीक हो जाता है तो ये पूरे के पूरे जो एक नी की फंक्शनिंग है उसको इम्पैक्ट करता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है नी जॉइंट पे, वो आपका नी कैप होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में पटेला कहते हैं। बेसिकली अब जो आपका पटेलर एरिया है, जो आपकी नी कैप है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नी जॉइंट की फंक्शनिंग को मेंटेन रखने में। अगर इसकी मूवमेंट थोड़ी सी भी कम हो जाती है या थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट आपके मेजरली जो यहाँ पे मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, जो आपके लिगामेंट्स की अटैचमेंट हैं, वो सब वीकनिंग की तरफ जाने लगती हैं। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे आपको जो इश्यूज़ मिल सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स में वो ये होंगे कि अगर कोई भी एक हायर इम्पैक्ट की उनका ट्रॉमा होगा तो उसके अंदर आपने सुना होगा एथलीट्स में जिनकी डायरेक्टली नीज़ के ऊपर फॉल होता है, या वो लोग जिनका ड्राइव करते हुए कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपने यूजुअली सुना होगा कि ACL इंजरी हुई है। दैट मीन्स एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, बेसिकली एक लिगामेंटल अटैचमेंट है जो कि आपकी इंटरनली आपके नी जॉइंट को कनेक्ट कर रहा होता है आपस में। सो यू सी आपकी बॉडी की हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ काफ़ी लिंक्ड है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नी जॉइंट के ऊपर पेन महसूस हो रहा हो, जो कि कह लें कि पिछले 3 से 4 हफ्ते तक लगातार है और रेस्ट करने से नहीं जा रहा, मूवमेंट करने से बढ़ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से घर पे कोविड के टाइम पीरियड में खुद ही से ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये सारी एक्सरसाइज करने से भी आपका दर्द जो है वो कम नहीं हो रहा है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो हमने इस स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर और अपना एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके ऊपर आप इजीली कांटेक्ट करके बाय कॉल और बाय ईमेल हमसे रब्ता कर सकते हैं, और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।